प्रियदर्शनी बैंक घोटाला। 2007 में बैंक प्रबंधन एवं संचालक मंडल के सदस्यों ने मिलकर 54 करोड़ रुपए से अधिक की रकम का घालमेल किया। पुलिस एवं न्यायालय द्वारा जब बैंक प्रबंधक उमेश सिन्हा का नार्को टेस्ट कराया गया तो उन्होंने खुलासा किया कि मामले को दबाने के लिए मुख्यमंत्री सहित भाजपा के 4 मंत्रियों को करोड़ों रुपए की घूस दी गई। देखिए बैंक प्रबंधक उमेश सिन्हा ने नार्को टेस्ट में क्या कहा। कितना पैसा आपको मिला था, फ्रॉड में कितना पैसा मिला? अब बैंक के जानकारी के हिसाब से मैडम मैं पढ़ा हूँ, मैं तो क्या पहले दिन से अरेस्ट हुआ हूँ, यहाँ कितना फ्रॉड हुआ नहीं मालूम। लोग कहने 18 करोड़ पर लोन हुआ है, इसमें जो है 25.9 करोड़ रुपए रीता तिवारी को दिया हुआ है, 2 करोड़ रुपए सविता शुक्ला ली है, 2 करोड़ रुपए कांति उपाध्याय, 1 करोड़ रुपए शायद मुख्यमंत्री रमन सिंह को दिए है, 1 करोड़ रुपए रामविचार नेताम जो है उनको दिया हुआ है, वो गृह मंत्री सहकारिता मंत्री और ठेसले उनको दिया हुआ है, 1 करोड़ रुपए लोकल जो ब्रिज मोहन अग्रवाल जो यहाँ पे वो है MLA है कहने से उनको दिए, 1 करोड़ रुपए रामविचार नेताम को दिया हुआ है और 1 करोड़ रुपए अमर अग्रवाल वित्त विभाग में थे, फाइनेंस मिनिस्टर से उनका जो 1 करोड़ रुपए DGP ओपी राठौर को दिया हुआ, 19 करोड़ रुपए का लगभग इतना हो जाता है। इसने खुद मुख्यमंत्री के पास जाके बात किया था क्या? तिवारी मैडम ने कहा था कि बैग है इसमें 1 करोड़ रुपए है, हाँ। उसको पहुंचा दो उसको, हाँ। मैंने पहुंचा दिया था। किसको पहुंचाया? मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री को दिया था। जाके उसको दिया था क्या? जी उसको PA को दिया? नहीं, उनके सीधा डायरेक्ट रमन सिंह को दिया था। उसका घर गए थे या ऑफिस में दिया था? नहीं, घर ऑफिस एक ही है उनका, हाँ। मैं वहाँ दिया था। हम लोगों ने कुछ फिजिकल असॉल्ट किया है क्या तुमको अभी नाटकों में कुछ किया है? हम लोगों ने कोई फर्श पुल नहीं किया है। सविता शुक्ला मैडम का लड़का राहुल शुक्ला है, हाँ। जेल में आते थे मेरे से मुलाकात करने, हाँ। हम लोग मेरे धमकी दिया करते थे कोई भी टेस्ट वेस्ट मत कराना ऐसा। अच्छा, इसलिए आपको डर था क्या? जी मैडम, तो निकलने नहीं देंगे मैडम जेल से। क्या? जेल से निकलने नहीं देंगे।